हेलो वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में क्या है, एक किसे मिल सकता है, कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को बना सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, या फिर क्रेडिट कार्ड आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या है या फिर इसके नुकसान क्या है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या लगते हैं, एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर वीडियो में सारी बातें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वेलकम बेनिफिट्स की। वेलकम बेनिफिट्स में आपको 3,300 रुपये के बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा, जो कि वाउचर आप किस तरह से रिडीम कर सकते हैं, इस पर मेरा स्पेशल एक वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में देने की कोशिश करूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँ। दूसरी बात आप लोग मिंत्रा पे जब भी कभी फर्स्ट शॉपिंग करोगे इस कार्ड से, तो वहाँ पे आप लोगों को 15% का कैशबैक मिलेगा। वो मैक्सिमम कैशबैक होने वाला है 500 रुपीज़ का, तो एक यहाँ पे बेनिफिट्स आने वाला है। तीसरी बात, आप मेक माई ट्रिप पे अगर कोई बुकिंग करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को 500 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। गाना का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि गाना एक म्यूज़िक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो, तो उसका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। और गो IBB पे आप लोगों को 500 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है। इस तरह से आपको 3,300 रुपये का यहाँ पे कैशबैक टोटल मिलने वाला है, जो कि एक वेलकम बेनिफिट से। दोस्तों मेन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे और टूगुड पे 5% का कैशबैक मिलता है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कोई भी हिडन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई गई। बाकी कैशबैक कैसे होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 500 कैशबैक, मैक्सिमम 50 रुपये कैशबैक, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप लोग जितने की भी शॉपिंग करेंगे उस हिसाब से आपको 5% का कैशबैक यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ छोड़ के उसके आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपके आने वाले बिल में सेटलमेंट होके आ जाता है। फ्लिपकार्ट पार्टनर मर्चेंट में आप लोगों को 4% का कैशबैक मिलेगा। पार्टनर मर्चेंट की यहाँ पे कोई लिस्ट तो फ्लिपकार्ट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं की, जैसे कोई लिस्ट डिक्लेयर करेगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगा। तो जो कुछ फ्लिपकार्ट के पार्टनर मर्चेंट है उनके ऊपर आप लोगों को 4% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और अदर ऑल ट्रांजेक्शन पे आप लोगों को 1.5% का यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है। उसमें कुछ ट्रांजेक्शन पे आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपके वॉलेट में मनी लोड करना होगा या फिर किसी वॉलेट में आप पैसे ऐड करते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को 1.5% का कैशबैक नहीं मिलता। एक इसका बेनिफिट है, नॉर्मल किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फ्यूल डालते हो, पेट्रोल या डीजल डालवाते हो पेट्रोल पंप पे, तो आपको यहाँ पे फ्यूल चार्जेस लगते हैं। अगर आप 400 रुपये से लेकर 4,000 के बीच में कोई भी फ्यूल डालते हो, तो आपको यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड करोगे तो आपको कोई भी फ्यूल चार्जेस नहीं लगने वाला। एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की आती है, नॉर्मल सभी क्रेडिट कार्ड की तरह इस क्रेडिट कार्ड पर भी आपको EMI फैसिलिटीज मिलती है। अगर आप 2500 के ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन करोगे, तो उस ट्रांजेक्शन को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसका EMI बना के किस्त में उसे पे कर सकते हो, एक फैसिलिटी मिलती है। अगर किसी वेबसाइट पर कभी ऑफर चल रही है, फ्लिपकार्ट पर नो कॉस्ट EMI के ऑफर चल रही है इस कार्ड पे, तो वहाँ पे आप लोगों को नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप वो फैसिलिटी का यूज़ भी आप उस समय कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को कौन कौन बना सकता है या फिर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट से यहाँ पे आपको एक ID प्रूफ लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, साथ ही साथ आपको एक पैन कार्ड लगेगा, आपका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, साथ ही साथ अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी या फिर IT रिटर्न आप दे सकते हो। एज लिमिट की बात करेंगे तो हर वो इंसान जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है और 70 साल से कम है, वो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंडियन और NRI दोनों भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। आप NRI हो या फिर नॉन इंडियन हो, तो आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया के होने चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को आप बना कैसे सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप अगर वहाँ पे उस लिंक पे विजिट करोगे तो इस तरह से एक फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर, EMAIL ID, आपका पिन कोड, बेसिक से कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, वो डिटेल्स भरनी है। उसके बाद कॉल मी वाला एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप कॉल मी पे क्लिक करोगे, कुछ समय बाद आपके पास बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा, वहाँ पे बाकी सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी और उसके बाद आपका कार्ड अप्रूवल वगैरह वो सारा प्रोसेस होगा। अगर आपका कार्ड अप्रूवल होता है तो 21 दिन के अंदर आपका सारा प्रोसेस होकर आपके पास क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरी बात, इस क्रेडिट कार्ड को आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इजीली आप बैंक में जाके इसे अप्लाई कर सकते हो, टैब एप्लीकेशन होगा या फिर फिजिकली फॉर्म एप्लीकेशन होगा, इसका यूज़ करके आप इस एप्लीकेशन को मतलब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों मेन एक बात इसमें यह आती है कि आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका सैलरी विलरी सारी चीज़ें ठीक ठाक है, और इसके बावजूद भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने का रीज़न ये होता है कि आपका सिबिल स्कोर भी स्ट्रांग होना चाहिए और बैंक के साइड से आपको अप्रूवल होना चाहिए। आखिर सब कुछ
होने के बाद बैंक के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है या ना देना। अगर बैंक चाहती है आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपका मतलब उन्होंने सैलरी स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपकी सैलरी स्लिप वगैरह देख ली और उसके बाद बैंक चाहती है आपको क्रेडिट कार्ड देना, तभी आपको बैंक अप्रूवल देगी, आपको क्रेडिट कार्ड देंगी। अदरवाइज सब कुछ मतलब अथॉरिटी बैंक के पास है। और बैंक कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट किया तो उसका रीज़न नहीं बताती कि किस वजह से। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करेंगे तो इसके लिए आपको पड़ेगी एक ज्वाइनिंग फी लगेगी। ज्वाइनिंग फी 500 रुपये लगेगी प्लस GST लगेगी। एनुअल फी आपको लगती है पर ईयर आपको एनुअल फी लगती है 500 प्लस GST, जो कि फर्स्ट ईयर आपको एनुअल फी नहीं लगती, वहाँ पे ज्वाइनिंग फी लगती है। ज्वाइनिंग फी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिलते हैं, 500 रुपये का फ्लिपकार्ट का वाउचर भी मिलता है। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग फी आपकी पूरी तरह से नील ही समझ सकते हो आप। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये पर एनुअल स्पेंड करते हो, मतलब एक साल में आप अगर 2 लाख रुपये स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको एनुअल फी भी यहाँ पे माफ की जाती है। दोस्तों साथ ही साथ इसमें एक और एक फी लगती है जो कि कैश विड्रॉल फी हम बोल सकते हैं। कैश विड्रॉल पे आपको भारी भरकम फी देनी पड़ती है। आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से मैं सजेस्ट करूंगा कि कैश विड्रॉल कभी भी ना करें। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप 100 रुपीज या 200 रुपीज 500 रुपीज भी निकालते हैं तो आपको डायरेक्ट कैश विड्रॉल करने पर 500 रुपीज चार्जेस लगते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हिडन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे लगाए जाते हैं और एक रनिंग सर्कल में आप लोगों पे ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि आने वाले बिल में आपको नहीं भरने होते। डेली बाय डेली उस चार्जेस को आपको बढ़ा दिया जाता है और उसी हिसाब से आपको चार्जेस लगा दिया जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल ना करें। साथ ही साथ इस पे लेट पेमेंट चार्जेस भी लगते हैं जो कि आप अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को लेट पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ेगी। यही कुछ इसके बेनिफिट्स थे, यही कुछ इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर था और यही कुछ जानकारी थी मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करने की कोशिश की। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।